हमने पिछले दो व्याख्यान के अंदर बात की कि होम्योपैथी में बॉनी कुसेन साहब का क्या दृष्टिकोण है और उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाता है। और आज फिर हमने सोचा कि अब आप हमें इनवाइट कर रहे हैं तो कोई टॉपिक लेके जाएं, तो ऐसा टॉपिक होना चाहिए कि जो जरूरी भी है, जो पेशेंट सफर भी कर रहा है और जो बिगिनर हैं, जो शुरू कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस के ऊपर रिस्क भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई ऐसा टॉपिक ले लेते हैं जो बहुत हार्ड है, जो डिसीज बहुत नामचीन रोग हैं, तो उसमें न्यू बिगिनर्स होते हैं उनके ऊपर रिस्क आ जाता है। एग्जाम्पल की तौर के अगर रिंगवॉर्म भी ले लेते हैं तो वो पेशेंट आके बहुत बार बार हमें फरियाद करते हैं कि डॉक्टर साहब अभी फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी फर्क नहीं पड़ रहा है, और हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। लेकिन कौन, यानी कि पैर के अंदर होने वाली कपासी, हमारे यहाँ उसको कपासी बोलते हैं, कणी बोलते हैं, ऐसी तकलीफ है जिसमें पेशेंट को वो कौन होते भी हैं और कोई इमरजेंसी भी नहीं होती, उसकी ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, ना ही पेशेंट हमारे ऊपर बहुत आके कहते हैं कि सर बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, ऐसा भी प्रैक्टिस में देखने को नहीं मिल रहा है। सो बिगिनिंग के लिए हमें लगा कि ये टॉपिक सही रहेगा। सो जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। सरल होना साधारण होना नहीं है। तो कौन के अंदर होम्योपैथी का, बॉनी कुसेन साहब का अप्रोच, हमारा अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, वो एक्सपीरियंस हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमें आपसे यही चीजें कहनी है कि जैसे बने हम गांव गांव में, घर घर में, हर जगह पे होम्योपैथी को पहुंचा सकें। और महात्मा गांधी जी के शब्द हमें आज भी याद आ रहे हैं कि असली भारत गांव में बसता है। तो होम्योपैथी जब गांव में जाएगी तभी हम कह पाएंगे कि होम्योपैथी भारत में पहुंच चुकी है। सो इसी घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी के साथ हम अपना आज का जर्नी आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कॉन्स, तो पहले हम देखेंगे कि कॉन्स क्या है। कॉन्स और कैलस आर फॉर्म्ड बाय थिकनिंग ऑफ द स्किन ओवर सेंसिटिव स्किन दैट प्रेशर और रब्स अगेंस्ट अंडरलाइंग बोन्स। कॉन्स अकर ऑन टोज बॉल्स ऑफ द फीट व्हाइल कैलस डेवलप्स ऑन हैंड्स एंड फीट्स और एनीवेयर एल्स। कॉज बैडली फिटिंग शूज आर मस्ट कॉमन कॉज। तो ये दिखा रहे हैं कि कौन कपासी, कोई हिंदी वाले सर हैं जो हमें बता सकें कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो पैरों के अंदर होते हैं ज्यादातर, हाथ के अंदर भी हो सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो शूज होते हैं, जो फीट नहीं बैठते हैं, उनके कारण, या तो घर्षण के कारण या तो इस किसी के कारण वहां की स्किन हार्ड हो जाती है और उसको हम कौन कहते हैं। क्लियर? हाँ, गुजराती में कणी कपासी कहते हैं लेकिन हिंदी का मालूम नहीं। और अगर ऑनलाइन देखने जाते हैं तो वो कौन का मकाई दिखा रहे हैं। अब इसको मकाई तो वो खाने वाला कौन होता है। डाठा, ओके, डाठा, हाँ, गठा, 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 हाँ, वो गठे जैसा हार्ड हो जाता है। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो ये उसी की बात कर रहे हैं हम, गठे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से, अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिसिन और हम जितना जानते हैं, वो बोलते हैं कि बैड फिटिंग शूज के कारण होते हैं, या तो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, उसके कारण होते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति है जो कंटिन्यूअस 20 सालों से उसी तरीके से जीवन जीता आ रहा है, तो उसको 20 साल तक कुछ नहीं हुआ और 21वें साल में कौन होना डेवलप हुए, कैसे। कोई व्यक्ति है जो बहुत सॉफ्ट शूज पहनता है फिर भी उसको कौन गठे डेवलप हुए, कौन डेवलप हुए, कैसे। तो हमारे जहन में ऐसे बहुत से सवाल आते हैं, आपको नहीं आते हैं कि ये बोलते हैं कि बैडली फिटिंग शूज आर द मोस्ट कॉमन कॉज, या तो वो रब्स होता है इसी के कारण होता है, उसके कारण होता है। कभी किसी को कोई प्रश्न हुआ, नहीं हुआ ऐसा।
हमें ये प्रश्न हुआ और इस प्रश्न का जवाब मास्टर हनीमैन ने बहुत अच्छे तरीके से दिया। उन्होंने कहा मायाजम इज द कॉज ऑफ द कॉज, यानी कि जितने भी कारण हैं, जितने भी कॉज ऑफ द डिसीज हैं, उन सब कॉज का भी कॉज मायाजम है। मायाजम यानी कि इंटरनल डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट, जो डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट अंदर है वो हर कॉज का कॉज है। हाँ, हम कह सकते हैं कि बैडली फिटिंग शूज हुए उसके कारण ये गठा हुआ या ये कौन हुआ, लेकिन वो बैड फिटिंग वाले शूज तो बहुत सालों से पहन रहा था, अभी क्या हुआ, मायाजम सेंसिटाइज हुआ, तब जाके उस मायाजम ने अभी गठा पैदा करवाया। आज ही का हमारा एक डिस्कशन हो रहा था तो ट्यूबरकुलोसिस पे बात आई, हमने बोला बैसिलाई तो हर जगह है, हर बंदे को क्यों ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो सकता। यस, ट्यूबरकुलर बैसिलाई आर द कॉज ऑफ द डेवलप्ड ट्यूबरकुलर डिसीज, टीबी होने का कारण ट्यूबरकुलर बैसिलाई है, लेकिन हनीमैन क्या कहते हैं, मायाजम इज द कॉज ऑफ द कॉज। उस ट्यूबरकुलर बैसिलाई को वहां आने का नियोता किसने दिया, उसके लिए वहां पे सॉइल किसने पैदा की, मायाजम, और तब जाके वहां पे ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हुआ। तो ये जो गठा हुआ, ये जो कॉर्न हुआ, ये जो कपासी हुई, इसको किसने पैदा करवाया, वो जो रबिंग हुआ, घर्षण हुआ, या वो जो शूज फिटिंग में नहीं आ रहे थे, उन वो सब तो कॉज थे, लेकिन उसके पीछे भी गठा डेवलप करवाने वाला कोई कॉज था और उसको कहा जाता है मायाजम अकॉर्डिंग टू हनीमैन। कौन तो हमने सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस करने को चाहिए था, इसीलिए लिया है। दो चीज, दो पिछले व्याख्यान के अंदर हमने पूरा बॉनी कुसेन साहब का अप्रोच सीखा है, अब इस व्याख्यान के अंदर हम देखेंगे कि What is the difference between practicing on homeopathic medicine and homeopathic principle? ज्यादातर लोग, ज्यादातर हमने देखा है कि पिछले दिनों में विजयकर साहब को पढ़ रहे थे और साहब ने बताया कई सारे होम्योपैथ ऐसे हैं जो अलग अलग डिसीज के लिए अलग अलग दवाइयां और कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं, और उनके कॉम्बिनेशन और दवाइयां कारगर भी होती हैं, वो रिजल्ट्स भी बताते हैं, लेकिन वॉट अबाउट प्रिंसिपल्स, वॉट अबाउट लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। हमें यह देखना है, हमें पेशेंट को गठे से मुक्त नहीं करना है, सिर्फ उसका कनी नहीं निकाल देना है, सिर्फ उसका कॉर्न नहीं निकाल देना है, हमें उस पेशेंट के मायास्मेटिक लोड को कम करना है ताकि वी कैन अबॉर्ट द डिसीज प्रोसेस। उसके अंदर जो डिसीज प्रोसेस शुरू हुई है, जिसका प्राइमरी लेवल कॉर्न यानी कि गठा है, और उसका सेकेंडरी या टर्सरी लेवल ट्यूमर या मैलिग्नेंसी भी हो सकता है, उस डिसीज प्रोसेस है उसको अबॉर्ट करना है, और वी कैन अबॉर्ट दैट डिसीज प्रोसेस विथ होम्योपैथिक सिमिलिमम। क्लियर, कौन किसे कहते हैं, गठा किसे कहते हैं, कपासी किसे कहते हैं, कनी किसे कहते हैं, होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, Why everyone is not suffering with corn? Most of people wears tight shoes, but not everyone suffer from corn. बहुत सारे लोग हैं जो एकदम tight shoes पहनते हैं, लेकिन सबको गठा नहीं हो जाता है। Why some people get corns on right feet and another on left feet? सब वो जो टाइट चप्पल या टाइट शूज पहनते हैं तो दोनों पैरों में पहनते हैं, तो क्यों एक में किसी को राइट पैर में ही कौन होता है, किसी को लेफ्ट पैर में ही कौन होता है? ऐसे कोई सवाल हमारे जहन में आए, आपके जहन में आए कि नहीं आए? और हमारे शास्त्रों ने कहा है कि जिसको सवाल होंगे वही सीख पाएगा। लर्निंग होम्योपैथी इज नॉट वन वे प्रोसेस कि हम बकता भला आप सुनते भले, ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथी लर्निंग या तो कोई भी लर्निंग, अगर आपको नॉलेज चाहिए, विजडम चाहिए, तो वो इंटरनल है। हमें सवाल होंगे और उन सवालों को ढूंढने के लिए हम हर जगह जाएंगे, और जब हम उस सवाल का जवाब ढूंढ पाएंगे तो हमें बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, लर्निंग मिलेगा, उसी को लर्निंग कहते हैं। बाकी हम जो बताते हैं और आप सुनते हैं उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। इट इज जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो लर्निंग नहीं है। लर्निंग तब होगा जब आपको इस तरीके से सवाल पैदा करेंगे, आपके अंदर सवाल आएंगे। तो सवाल आए कि नहीं आए कि सब टाइट शूज पहनते हैं तो सबको क्यों कौन नहीं होता है?
पूरा शूज टाइट है तो किसी को टो के ऊपर तो किसी को हील के ऊपर क्यों होता है, दोनों शूज टाइट हैं तो किसी को लेफ्ट फुट के अंदर और किसी को राइट फुट के अंदर क्यों होता है, ऐसे सवाल आए कि नहीं आए? नहीं आए तो सोचो, सोचना है हमें, इस तरीके के सवाल पैदा करना है। और शायद डॉक्टर बाबा साहेब का ही हमने कहीं क्वोट पढ़ा था कि शिक्षा सवालों को जन्म देती है। अगर हम कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारे जहन में बहुत सारे सवाल आने चाहिए, और वो सवाल ढूंढने की जो प्रक्रिया है उसे शिक्षा कहा जाता है। सो ऐसे सवाल हुए कि नहीं हुए? नेक्स्ट, ऐसे सवाल आए और इन सवालों का जवाब हमने मास्टर हनीमैन से पाया कि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग वाइटल फोर्स है, उसकी सेंसिटिविटी एंड ससेप्टिबिलिटी अलग अलग है, उसके अंदर बैठा हुआ जो मायाजम है वो जब प्रभावी होगा तब जाके डिसीज देगा, जहां पे वह वाइटल फोर्स वीक होगा उस जगह पे जाके डिसीज देगा, और अल्टर्ड सेंसेशन एंड फंक्शन होंगे जिसे हम डिसीज कहते हैं। इसीलिए इंडिविजुअलाइजेशन जरूरी है, इसीलिए कौन के लिए कोई दवाई नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है मित्रों? कौन के पांच दवाई बताओ, कौन कौन से, कौन कौन सी दवाई कौन के लिए यूज की जानी चाहिए, कौन देख के कौन कौन सी दवाई दी जानी चाहिए, गठा देख के कौन कौन सी दवाई दी जानी चाहिए? एनीवन? वेरी गुड, एंटीम क्रोड, शाबाश, थुजा, वेरी गुड, एंटीम क्रोड, थुजा, कलकेरिया काम, और शाबाश, नाइट्रिक एसिड, वेरी गुड, कलकेरिया फ्लोर, सिलिसिया। लेकिन मित्रों, कौन के लिए कोई दवाई नहीं दी जानी चाहिए? देयर इज मेडिसिन फॉर पर्सन हु सफरिंग विथ कॉर्न, सफरिंग फ्रॉम कॉर्न्स। उस व्यक्ति के लिए दवाई दी जानी चाहिए जिसको गठा हुआ है, गठे के लिए कोई दवाई नहीं दी जानी चाहिए। एपोरिज्म नंबर वन, क्या बोलते हैं हनीमैन? द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर सिक। उन्होंने क्या बोला है? सिक। उन्होंने नहीं बोला है सिकनेस, उन्होंने नहीं बोला है डिसीज, उन्होंने बोला है सिक। और सिक का मतलब क्या होता है? पर्सन एज अ होल, पेशेंट एज अ होल। तो उसको जो गठा हुआ है वो तो उसकी पूरी डिसीज प्रक्रिया का एंड प्रोडक्ट है, वो तो आखिर में आने वाली चीज है। उसकी हमें पूरी डिसीज प्रक्रिया को अबॉर्ट करना है, और पेशेंट जैसे पहले था उसको वैसे करना है। हम यहीं पे भूल करते हैं, हम मास्टर को समझने में भूल करते हैं। मास्टर हर दफा हमें कहते हैं कि मेडिसिन इंडिविजुअलाइजेशन के बेस के ऊपर दी जानी चाहिए, मेडिसिन इंडिविजुअलाइजेशन के बेस के ऊपर दी जानी चाहिए, लेकिन हम फिर भी गट्ठा देख के या कौन देख के दवाई दे देते हैं, और फिर बोलते हैं कि दवाई इफेक्ट नहीं करती है, होम्योपैथी दवाई का असर नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? इस प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारना, इसी को लर्निंग कहते हैं। हर बंदा जो होम्योपैथी के अंदर एडमिशन लेता है ना, एपोरिज्म वन जानता ही है, उसको मालूम है एपोरिज्म वन के अंदर क्या लिखा है, लेकिन उस यस वेरी गुड मर्ज को ठीक नहीं करना है, मरीज को ठीक करना है। हर बंदा जो बीएचएमएस करता है या तो होम्योपैथी करता है, एपोरिज्म वन जानता है, लेकिन कितने लोगों के, हमारे में से कितने लोगों के जीवन के अंदर एपोरिज्म वन उतरता है कि जब पेशेंट कोई रोग लेके आता है तो हम उसको रोग के हिसाब से ही दवाई देते हैं, या केस लेते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं और उसके बेस के ऊपर दवाई देते हैं। हमें कौन तो एक आप तक पहुंचने का जरिया है, हमें जो आप तक पहुंचाना है, ये मास्टर की फिलॉसफी है। और हम बार बार कहते हैं कि फिलॉसफी का मतलब क्या है? धर्म, धारयति स धर्म, जिसको धारण किया जा सकता है वो धर्म है, मतलब कि जो हमारे आचरण में है वो धर्म है। हम कितना जानते हैं, कितना अच्छा बोल पाते हैं, उसको हम धर्म नहीं बस समझते हैं। धर्म वो है जो हमारे आचरण में से निकले। तो एपोरिज्म वन को अपने आचरण में उतारना है। फिलोसॉफी बातें करने की बात चीज नहीं है, ये चर्चा का विषय ही नहीं है, ये चर्या का विषय है, ये अपने जीवन में उतारने का, अपनी प्रैक्टिस में उतारने का विषय है। हमने पिछले दोनों व्याख्यान के अंदर समझाया है कि क्यों रोग देख के दवाई नहीं देनी चाहिए। अब
क्यों पेशेंट को केस लेना चाहिए, इंडिविजुअलाइज करना चाहिए और उसके मुताबिक दवाई देनी चाहिए। तो अब कौन हो गया है तो क्या करना चाहिए, कौन को निकाल देना चाहिए, कौन को जला देना चाहिए, या तो जलद एसिड या कुछ ऑइंटमेंट या वनस्पतियों का रस वगैरह कुछ कौन के अंदर डाल देना चाहिए ताकि वो जल जाए, क्या कौन निकल जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एनीवन, हमें कौन को निकल देना है, कौन निकल जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं होगी ना। अगर कौन निकालने से, हाँ बोलिए, शाबाश, वेरी गुड। यस, वेरी गुड। तो अगर कौन निकाल देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो इसका मतलब दवाई कौन के लिए नहीं देनी है। हाँ, यस, ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिसीज। लेकिन जब हमारे ओपीडी के अंदर पेशेंट आता है ना तो हम भूल जाते हैं पेशेंट कौन लेके आया, और दिमाग के अंदर एंटीम क्रूड थूजा घूमने लगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारे जीवन में नहीं उतरा है, और हमारा पूरा प्रयत्न है कि हम जो जानते हैं वो सब हमारे जीवन के अंदर उतरे। कौन रिमूव कर देने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, वो निकाला जा सकता है, वो सर्जरी से भी निकाला जा सकता है, वो कॉटरी से भी निकाला जा सकता है, ऑइंटमेंट से या उसके ऊपर जो कैप आती है वो लगाने से भी निकाला जा सकता है, और अलग अलग दवाइयां देने से भी निकाला जा सकता है। लेकिन हमारा काम कौन निकालना नहीं है, हमारा काम है रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। बात समझ में आ रही है? कोई व्यक्ति है जो चाकू लेके कौन निकाल देता है, और कोई व्यक्ति है जिसने चार पांच अलग अलग दवाइयों का मिक्सचर बना दिया है और उससे कौन निकाल देता है। तो शायद मॉडस ऑपरेंडी सेम हुई। हनीमैन हमें वही समझाते हैं कि डिसीज इज नॉट लोकल फिनोमिना। अगर पैर के अंदर कौन हुआ है, पैर के अंदर गठा हुआ है, तो ये वहां की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे पूरे व्यक्ति की प्रॉब्लम है, और उस व्यक्ति को रिस्टोर कीजिए। अगर हम वहां पे चाकू लेके कौन निकाल देते हैं, या कौन कैप लेके कौन निकाल देते हैं, या दो चार जड़ी बूटियां देके कौन निकाल देते हैं सिद्धांतों के सिवा, हा? हम जो जड़ी बूटियां बोल रहे हैं इसका मतलब हम आयुर्वेदिक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेदिक तौर तरीके से वात पित्त और कफ के सिद्धांत के ऊपर दवाई देना है तो वो प्योर आयुर्वेदिक कहा जाता है, वो रिस्टोर करता है। उसी तरीके से होम्योपैथी के अंदर भी दो चार पांच छह अलग अलग कौन के लिए मेडिसिन ढूंढ के उसका वो मेडिसिन दे देना और कौन निकाल देना, रिजल्ट सबको मिलता है, कौन सबके पेशेंट को निकलता है। लेकिन क्या मास्टर हनीमैन ने हमें ये कहा कि कौन निकाल दो? मास्टर हनीमैन ने हमें क्या कहा? रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। रिमूवल ऑफ कौन? बाय यूज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। सो हम होम्योपैथिक दवाइयां देके भी कौन को निकाल सकते हैं। गिविंग मेडिसिन विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। अगर होम्योपैथिक प्रिंसिपल का यूटिलाइजेशन किए बिना सिर्फ कौन के लिए अगर हम दवाई देते हैं, केस लिए बिना सिर्फ कौन के लिए दवाई देते हैं, दवाई का नाम कुछ भी हो सकता है, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं,
सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है और अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन हम जब तक हनीमैन को समझ पाए हैं और हमें जब तक मालूम है, तो हनीमैन कहते हैं कि कौन देख के दवाई मत दो, हनीमैन कहते हैं पेशेंट एज अ होल को रिस्टोर कीजिए। तो अगर कौन देख के दवाई दी गई है, होम्योपैथिक सिद्धांतों के बिना दवाई दी गई है, तो कौन निकल सकता है, लेकिन कौन फिर से भी हो सकता है, बार बार भी हो सकता है, और दूसरी कुछ पैथोलॉजीज़ भी, कॉन्स की जगह पे स्टोन भी हो सकते हैं, सिस्ट भी हो सकता है, दूसरा कुछ भी हो सकता है, और मायाजम का कुछ भी हो सकता है। क्लियर, बात समझ में आ रही है? रिमूवल ऑफ कॉन बाय यूज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, क्लियर और नॉट? कौन देख के मेडिसिन ए दे दिए, मेडिसिन बी दे दिए, मेडिसिन सी दे दिए, हम कृषि को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग सीखना चाहते हैं तो हम ये बता रहे हैं कि हमें ये भूल नहीं करनी है, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें केस लेना है और उसके अकॉर्डिंग सिमिलिमम देनी है। बात आप तक पहुंच रही है? ये कौन तो सिर्फ एक एग्जांपल है, इसी तरीके से नो मेडिसिन फॉर स्टोन, नो मेडिसिन फॉर रिंगवर्म, नो मेडिसिन फॉर एनी पैथोलॉजी, देयर इज मेडिसिन फॉर पर्सन। किसी रोग के लिए दवाई नहीं होती है, दवाई होती है उस व्यक्ति के लिए जिसको रोग हुआ है, और अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलैरिटी हमें उसको सिमिलिमम देना है। हम ये बात कर रहे हैं कि रिमूवल ऑफ कॉन By use of homeopathic medicine, homeopathic दवाइयों का प्रयोग करके भी कॉर्न निकाला जा सकता है, जैसे कॉर्न कैप या दूसरी पैथी की दवाइयां या निडल से या चक्कू से कॉर्न निकाला जा सकता है, लेकिन इसके अंदर कॉर्न निकल जाएगा, लेकिन बार बार भी हो सकता है, दूसरी बार भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दूसरी पैथोलॉजी भी हो सकती है, और मायाजम का कुछ भी हो सकता है। ये बात आप तक पहुंच रही है ना? नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ कॉर्न बाय यूज ऑफ होम्योपैथिक प्रिंसिपल, होम्योपैथी के सिद्धांतों के द्वारा अगर कॉर्न निकलता है, अगर गठा वहां से होम्योपैथिक सिद्धांतों के प्रयोग से निकलता है, तो यूज ऑफ मेडिसिन बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, होम्योपैथिक सिद्धांतों के मुताबिक दवाई दी जाती है। वहां पे कौन देख के दवाई नहीं देनी है, गठा देख के दवाई नहीं देनी है, हमें दवाई देनी है सिद्धांतों के अनुरूप केस लेके। मायाजम डेवलप टू द लेटेंट फेज, जो भी मायाजम होगा, अगर हमारी मेडिसिन सिमिलिमम जाती है तो वो मायाजम को डिलोड करती है। मतलब कि मायाजम, अगर हम एग्जांपल के तौर के ऊपर ले लेते हैं कि 200 ग्राम मायाजम पेशेंट के अंदर है और हमने सिमिलिमम मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, तो कम से कम 20 ग्राम तो उसमें से डिलोड हो जाएगा। तो पेशेंट पहले 200 ग्राम मायाजम से सफर हो रहा था, वो अब 180 ग्राम मायाजम से सफर होगा। मतलब कि मायाजम पहले से लेटेंट फेज में गया, पहले से कम डेंजरस में गया, पहले से कम ताकत में गया, तो वो पहले से कम ताकत वाले डिसीज प्रोड्यूस कर पाएगा। बात क्लियर हो रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकरेंस इज नील, बहुत कम संभावना है कि वो पैथोलॉजी वापिस आए। हाँ, आ सकती है कई बार, अगर मायाजम 180 ग्राम में से फिर से 200 ग्राम 230 ग्राम चला जाए तो संभावना है कि आ सकती है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अदर ग्रोस पैथोलॉजी इज लो, बिकॉज वी आर अबॉर्टिंग द डिसीज प्रोसेस। जो मायाजम वहां पे गठा दे रहा है, उस मायाजम को ही हम वहां से लोअर स्टेज के अंदर ले जा रहे हैं, तो सप्रेशन होके स्टोन, ट्यूमर या अदर पैथोलॉजीज जो हो रही हैं, वो पैथोलॉजीज की प्रोसेस को हम वहां से अबॉर्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कतई गारंटी नहीं है कि नहीं होंगी, कोई गारंटी नहीं है, हेल्थ सेक्टर के अंदर कोई गारंटी होते ही नहीं है, लेकिन होम्योपैथी के प्रिंसिपल जो कह रहे हैं कि डिसीज क्यों होता है, तो कि मायाजम का लोड बढ़ते जाता है, मायाजम स्ट्रांग होता जाता है, वैसे वैसे वो स्ट्रांग डिसीज देता जाता है। हम अगर पूरी सोसाइटी की बात करें तो पेडिकुलोसिस, पेडिकुलोसिस को क्या बोलते हैं हिंदी में, जू पड़ना, माथे के अंदर बालों के अंदर वो जू आती है ना, पेडिकुलोसिस वॉज कॉमन। आज से 20-25 साल पहले जब हम बच्चे थे तो जू बहुत पड़ती थी,
धीरे धीरे जू चली गई, उसका स्थान डेंड्रफ ने ले लिया। अब धीरे धीरे डेंड्रफ भी जा रहा है, उसके स्थान पे प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर मिल रहे हैं। अब धीरे धीरे वो भी जाएंगे और उसके स्थान पे प्रीमेच्योर बाल्डनेसिस बढ़ रही है। सो बहुत सारे पेशेंट ऐसे कम मिलेंगे जिनको सीधा ही ट्यूमर डेवलप हो गया या स्टोन डेवलप हो गया। छोटे 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 डिसीज होते हैं और वो सप्रेस होते 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 बड़ा डिसीज होता है। तो जो डिसीज होने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, अगर हम उसको होम्योपैथिक प्रिंसिपल के तौर पे देखें, तो अगर हम सिमिलिमम प्रिस्क्राइब करते हैं, हर बार सिमिलिमम प्रिस्क्राइब करते हैं, तो हम उस डिसीज की प्रक्रिया को वीकर करते जाते हैं। तो आगे जाके वीकर डिसीज मिल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीज कम मिल सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या फायदा है होम्योपैथिक प्रिंसिपल के ऊपर कौन रिमूव करने का? क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कि हमें ये देखना है कि सप्रेशन कैसे हुआ है। कोई भी ड्रग सप्रेशन कर सकता है। सप्रेशन इज टर्म, सप्रेशन फिलोसॉफिकल टर्म है। उसके लिए कोई एक पैथी या कोई ड्रग जवाबदार नहीं है। अगर डिसिमिलिमम जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब हुई वो सिमिलिमम नहीं है, तो वहां पे सप्रेशन के चांसेस बनते हैं। सर ने जैसे बताया कि एनवायरमेंटल फैक्टर से भी सप्रेशन के चांसेस होते हैं, उसी तरीके से सर्जिकल सप्रेशंस भी होते हैं। तो ये सब सप्रेशंस होते हैं। सप्रेशन कैन रिमूव पैथोलॉजी, सप्रेशन कैन रिमूव सिम्टम, सप्रेशन कैन नॉट रिस्टोर। और हनीमैन हमें जो बात कर रहे हैं वो रिस्टोर की कर रहे हैं और हमें वो करना है। हैवी रेनिंग हो रही है, इसके कारण शायद स्लाइड आपको विजिबल नहीं हो रही है। Am I right? Okay. कोई बात नहीं। So, हमें क्या करना है? हमें पेशेंट का केस लेना है और उस केस के अकॉर्डिंग, हमने पिछले दो व्याख्यानों में बोनेकुसेन साहब के दृष्टिकोण की बात की, को कौन हुआ है लेकिन कहां पे हुआ है। लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। कौन में क्या होता है? दर्द होता है, बर्निंग होती है, इचिंग होती है, गरम गरम लगता है, जो भी सेंसेशन मिल रहा है। तो सेंसेशन अगर इंपॉर्टेंट है, उसके मुताबिक कब बढ़ जाता है, सुबह दोपहर शाम रात, तो मोडालिटी इंपॉर्टेंट है। तो उसी हिसाब से कंकोमिटेंट इंपॉर्टेंट है। तो अब जब हमने पिछले व्याख्यान में देखा कि थर्मल को जनरल मोडालिटी, स्लीप पोजीशन को जनरल मोडालिटी ले लिए हैं और डिजायर एवर्जन को कंकोमिटेंट लिए हैं, तो इस तरीके से अगर कौन के केसेस हमारे साथ हमारे पास आते हैं, तो बिगिनर के लेवल पे जब हमें बहुत कुछ मालूम नहीं है, हमारा नॉलेज बहुत लिमिटेड है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो कुछ टोटालिटीज आपके सामने रखी जा रही है, जिसको कौन प्रोटोकॉल का नाम दिया गया है। कौन? हॉट, थर्स्टी, हिस्ट्री ऑफ स्किन कंप्लेंट, इचिंग, स्पाइसी एंड स्वीट डिजायर, लेफ्ट साइडेड स्लीप। अगर ऐसा कुछ मिलता है
तो उस कॉन्स के केस में हम सल्फर सोच सकते हैं। कॉन, हॉट, थर्स्टी, स्पाइसी डिजायर, टॉकेटिव, राइट साइडेड और एब्डोमेन ऑन द स्लीव, अगर ऐसा कॉन का केस मिलता है तो उसके अंदर हम लैकेसिस सोच सकते हैं। कॉन, हॉट, थर्स्टी, सॉल्ट डिजायर, बैक ऑन स्लीप, सन एग्रावेशन, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो हम नेत्रम्यूर सोच सकते हैं। कॉन, हॉट, थर्सलेस, स्वीट डिजायर, राइट साइडेड स्लीप एंड गैस्ट्रिक कंप्लेंट, ऐसा कुछ मिलता है तो लाइकोपोडियम सोची जा सकती है। कॉन, हॉट, थर्सलेस, पेन, शिफ्टिंग टाइप ऑफ द कंप्लेंट, बैक ऑन स्लीप, ऐसा कुछ मिलता है तो पल्सेटिला सोची जा सकती है। कॉन, हॉट, थर्सलेट, स्टिम्युलेंट एवर्जन और एग्रावेशन, चीज डिजायर, ग्रीफ और बैड न्यूज का हिस्ट्री मिलता है तो वहां पे इग्नेशिया सोचा जा सकता है। कॉन, हॉट, ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट डिजायर, पस फॉर्मिंग टेंडेंसी एंड वीकनेस, ऐसा मिलता है तो कैल्केरिया सल्फ सोचा जाता है। कॉन, चिली, सॉर डिजायर, स्लीप एब्डोमेनॉन, मेंसिस बिफोर आफ्टर एग्रावेशन एंड थर्सलेस, ऐसा मिलता है तो सेपिया सोचा जाता है। कॉन, चिली, थर्स्टी, आइसक्रीम डिजायर, कोल्ड ड्रिंक डिजायर, स्लीप राइट साइड ऑन, सॉल्ट डिजायर, ऐसा कुछ मिलता है तो फॉस्फरस सोचा जाता है। कॉन, चिली, थर्स्टी, बर्निंग, स्लीप लेफ्ट साइड और बैक ऑन, रेस्टलेसनेस, ऐसा कुछ मिलता है तो आर्सेनिक अल्ब सोचा जाता है। कॉन, चिली, थर्स्टी, गैस्ट्रिक कंप्लेंट, इरिटेबल, स्टिम्युलेंट डिजायर और एलोपैथिक मेडिसिन का एब्यूज, ऐसा देखने को मिलता है तो नक्सवोमी का सोचा जाता है। कॉन, चिली, ऑनियन एग्रावेशन, ओवरग्रोथ का हिस्ट्री, स्लीप लेफ्ट साइडेड, डिस्चार्ज एमिनोरेट एंड स्वीट टेस्ट इन माउथ, ऐसा मिले तो थूजा सोचा जाता है। कॉन, चिली, एग एंड कोल्ड ड्रिंक डिजायर, मिल्क एंड वार्म फूड एवर्जन, पस फॉर्मिंग टेंडेंसी, ऐसा मिले तो सिलिसिया सोचा जाता है। कॉन, चिली, थर्स्टी, सॉल्ट डिजायर, नोज अराउंड कंप्लेंट, नर्वस कंप्लेंट, ऐसा कुछ मिले तो कॉस्टिकम सोचा जाता है। कॉन, चिली, थर्स्टी, एग एंड अनडाइजेस्टेबल थिंग डिजायर, लेफ्ट साइडेड स्लीप, ओवरग्रोथ का टेंडेंसी, ऐसा कुछ मिले तो कल्केरिया काब सोच सकते हैं। कॉन, चिली, सन एग्रावेशन, प्रिकल डिजायर, कुकुम्बर डिजायर, वाट कोटेड टंग एंड कॉर्नर एट द माउथ, स्लीप बैक ऑन, ऐसा कुछ मिले तो एंटीम क्रूड सोच सकते हैं। ये कुछ कॉमन मेडिसिन है। हाँ जी, हाँ जी, वो वहां पे बिजली चली गई है इसीलिए स्लाइड्स नहीं दिख रही है, एक मिनट। एक मिनट हम प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, एक ही होस्ट शेयर कर सकते हैं, ऐसा है। सो हम आपको भेज देंगे, आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। पिछले व्याख्यान के अंदर, हाँ, जो मटेरिया मेडिका का व्याख्यान था उसके अंदर हमने काफी सारे, हाँ जी सर, ओके ओके ओके, हो पा रही है। स्लाइड इज विजिबल सर जी, स्लाइड दिख रही है। ओके, तो आपके सामने जो दिख रहा है कॉन्स प्रोटोकॉल, ये जो कॉमन इंडिकेशन है जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे, वो सभी इंडिकेशन नहीं लिए हैं, लेकिन ये जो इंडिकेशन हमें मिले और इसके ऊपर से हम सीधा एक मेडिसिन के ऊपर ही जाते हैं इंडिविजुअलाइज करके, तो ये आपके सामने पीपीटीज हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि कुछ मेडिसिन हॉट हैं, कुछ चिली हैं, कुछ के अंदर कुछ हैं,
कुछ के अंदर कुछ डिजायर है, कुछ के अंदर कुछ एवर्जन है। हाँ, आज सुबह को ही हमें कहा गया कि व्याख्यान की तैयारी कीजिए, सो इसके अंदर एक इंडिकेशन लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण नहीं हुआ है, लेकिन प्रीवियस जो व्याख्यान था उसके अंदर ऐड किया हुआ है। क्लियर? इतना समझ गए कि कैसे केस को देखना है अगर कौन आए हमारे पास। कुछ हम अलग नहीं बता रहे हैं, कुछ नया नहीं बता रहे हैं। होम्योपैथ जो है वो अपने डे टू डे की प्रैक्टिस में, रूटीन ओपीडी में जो करते हैं वही चीज है। जो चीज बॉनी कुसेन साहब ने बताई है वही है कि बच्चा कौन को मत देखो, वो कुछ है ना, बच्चा क्या कामयाबी के पीछे मत भागो, मेहनत के पीछे भागो, कौन के पीछे मत भागो, केस के पीछे भागो, इंडिविजुअलाइज करो तो कौन अपने आप निकल जाएगा। कुछ स्पेशल इंडिकेशन भी है, अगर पल्सेटिंग टाइप ऑफ पेन मिलता है तो वहां पे कैल्केरिया, कालिकाब, लाइको, सेपिया, सिलिसिया और सल्फर सोचा जाना चाहिए। अगर सपुरेटिंग कॉर्न मिलते हैं तो थूजा और सिलिसिया सोच सकते हैं। टियरिंग टाइप ऑफ पेन मिलता है तो लाइको, सेपिया, सिलिसिया, सल्फर, थूजा। अगर नाइट में ज्यादा मिलता है टियरिंग पेन तो आर्सेनिक सोच सकते हैं। वॉर्म्थ ऑफ द बेड एग्रावेशन मिले तो सल्फर सोचा जा सकता है। बर्निंग मिले तो इग्नेसिया, सेपिया, ब्रायोनिया, कल्केरिया, एंटीम क्रूड, पेट्रोलियम, नक्सोमिका, लाइको, रस्टॉक्स एंड सल्फर सोच सकते हैं। नाइट में बर्निंग मिले तो नेट्रम्यूर सोच सकते हैं। अगर इन्फ्लाम्ड कॉर्न मिलते हैं तो एंटीम क्रूड, कैल्केरिया, लाइको, रस्टॉक्स एंड सल्फर सोच सकते हैं। और सिर्फ हील के ऊपर ही कॉर्न मिलते हैं तो फॉस्फरस सोची जानी चाहिए। ये स्पेशियल इंडिकेशन है, लेकिन अगर टोटालिटी सपोर्ट करती है इसके साथ तो ही वो मेडिसिन दिया जाना चाहिए। अगर सिर्फ एक इंडिकेशन के ऊपर मेडिसिन नहीं देना है, हील के अंदर कौन मिले तो देख के फॉस्फरस नहीं देना है। हाँ, हील के अंदर कौन मिले, आइसक्रीम डिजायर है, कौन के अंदर बर्निंग भी मिल रहा है, पास हिस्ट्री में ब्लीडिंग भी मिल रहा है, चिली पेशेंट है, टोटालिटी सपोर्ट कर रही है, तो यहाँ पे हम श्योरिटी के साथ फॉस्फरस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर? सो आपके सामने अभी थियोरिटिकल तो हमने सब बातें कर ली, कौन के केस में कैसे देखना है, केस टेकिंग में क्या लेना है, कौन कहां पे है, किस साइड से शुरू हुआ, किस साइड के तरफ गया, ज्यादा कहां पे है, ज्यादा कहां पे है, बड़ा कहां पे है, पेन किस में ज्यादा होता है, तकलीफ कौन सा वाला ज्यादा देता है, वहां से लोकेशन और साइड अफिनिटी मिलेगी, क्या होता है उससे सेंसेशन मिलेगा, थर्मल डिजायर, एवर्जन, स्लीप पोजिशन, ये सब चीजें मिले ले लेंगे, और पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, तो हमें कुछ डाटा मिल जाएगा और उस डाटा को कैसे वर्क करना है वो भी हमने सीख लिया। तो अब आपका है प्रैक्टिकल एग्जाम। क्या है ना, गुरुकुल के अंदर हम ऐसा ही करते हैं, अब पूरे साल पढ़ाया जाए और साल के अंत में एग्जाम लिया जाए, ऐसा नहीं, अभी पढ़ा अभी एग्जाम। केस वन, 42 ईयर ऑफ द मेल, कंप्लेंट ऑफ मल्टीपल 5 कॉर्न इन लेफ्ट फुट सिंस 3 ईयर, हिस्ट्री ऑफ रिंगवॉर्म, स्वीट डिजायर, स्पाइसी डिजायर, स्लीप ऑन लेफ्ट साइड, थर्स्टी एंड हॉट, कौन सा दवाई सोचा जाना चाहिए, एंटीम क्रूड, वेरी गुड। सो आपके सामने स्लाइड है, सल्फर 1 mg वीकली फॉर 1 month दिया गया, 3 कॉर्न निकल गए, 2 कॉर्न थे वो स्मॉल हो गए, 1 महीने के लिए उनको मेडिसिन रिपीट किया गया। क्लियर? सल्फर दिख रही है कि नहीं दिख रही है केस वन के अंदर? ओके, तो चलिए अब हम रुख करते हैं दूसरे केस का। केस टू, 28 ईयर ऑफ द फीमेल, कंप्लेन ऑफ कॉर्न इन लेफ्ट फुट, 1 big कॉर्न, पेनफुल, प्रॉब्लम ड्यूरिंग वॉकिंग, प्रोफ्यूज मेंसिस, हॉट पेशेंट, सॉल्ट डिजायर, थर्स्टी, क्या सोचेंगे? वेरी गुड। सो स्लाइड आपके सामने है, नेट्रम्यूर 1 mg वीकली फॉर 1 month, आफ्टर 1 month कॉर्न बिकम स्मॉल, पेन डिक्रीज, सो ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया गया, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं है, दिख गई ना नेट्रम्यूर?
चलिए केस थ्री। थर्टी ईयर फीमेल कंप्लेन ऑफ मल्टीपल कॉर्न ऑन बोथ फुट एट टो एट सोल एंड एट हील स्टार्टिंग फ्रॉम राइट फुट एंड देन गोज टू लेफ्ट फाइव टाइम रिमूवल ऑफ द कॉर्न। पांच बार उन्होंने निकलवा दिया है बट अगेन कॉर्न्स रीअपियर, बार 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 हो जाते हैं। थसलेस स्वीट डिजायर एंड हॉट। वेरी गुड, सबको लाइकोपोडियम दिख गई। लाइकोपोडियम 200 फॉर 15 डेज, नो कॉर्न इन लेफ्ट फुट बट राइट फुट कॉर्न आर एज इट इज, पोटेंसी बढ़ाया गया। रिसेंट केस है, उसका फॉलोअप अभी आने वाला है, लेकिन इतना अच्छा हुआ है। गुजराती में लिखा है फॉलोअप हवे आवशे। क्लियर, लाइकोपोडियम दिखा ना। सो लाइकोपोडियम इज नॉट ओनली मेडिसिन फॉर गैस एसिडिटी। हाँ, हमें गैस एसिडिटी के लिए मेडिसिन नहीं ढूंढनी है, हमें मेडिसिन ऐसे बंदे के लिए ढूंढनी है जिसको गैस एसिडिटी है, ऐसे बंदे के लिए ढूंढनी है जिसको गट्ठा है, जिसको कौन है। क्लियर। नेक्स्ट केस, 52 ईयर ऑफ बिजनेसमैन कंप्लेन ऑफ कॉर्न इन बोथ फुट सिंस 5 ईयर, हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट, हैबिचुअल कॉन्स्टिपेटेड, चैन स्मोकर एंड चिली। हमारे केसेस बहुत छोटे छोटे हैं, छोटे डॉक्टर हैं, तो बहुत कुछ हमें आता नहीं है, जितना हमें मालूम है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। सो वेरी गुड, नक्सवामी का 200 दिया गया, पहली बार नो चेंज, कॉन्स के अंदर कोई चेंज नहीं था, लेकिन कॉन्स्टिपेशन अच्छा हुआ, उसको नींद अच्छी आने लगी, तो पोटेंसी बढ़ाए, उसके बाद अच्छा हो गया। तो आपके साथ ये सब डिस्कस करने का यही मतलब है कि कई दफा ऐसा होता है कि पहली बार में पैथोलॉजी के अंदर रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन अगर जनरलिटी में पेशेंट बेटर फील कर रहा है, इसका मतलब हमारा मेडिसिन रजिस्टर हुआ है। हमें हड़बड़ाहट में मेडिसिन बदल नहीं देना है। काफी हमारे फ्रेंड्स ऐसे हमें मिले कि एक पहली बार पेशेंट आया, एक मेडिसिन दी, फर्क नहीं पड़ा, तो दूसरी दी, फर्क नहीं पड़ा, तो तीसरी दी। हमें पहली बार मेडिसिन कंफर्म करना है, बहुत अच्छे से केस लेना है और फर्म टोटालिटी बनाना है, लेकिन एक बार हमने मेडिसिन सिलेक्ट किया तो वो मेडिसिन एक्ट करना ही करना मांगता है। हमें हर जगह देखना है कि भले उसके कॉन्स के अंदर, गठे के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन स्लीप के अंदर, कॉन्स्टिपेशन के अंदर अगर फर्क पड़ा है, मतलब हमारी मेडिसिन एक्ट कर रही है, हमें वेट करना चाहिए। लेकिन हम भी उस टाइम प्रैक्टिस के अंदर नए नए थे, तो हम भी वेट नहीं कर पाए और पोटेंसी बढ़ा दिए, लेकिन ऑल कॉर्न्स डिसअपीयर, अच्छा हो गया पेशेंट, दिख गई ना सबको नक्सवामी का। नेक्स्ट, ट्वेंटी टू ईयर ऑफ द गर्ल कंप्लेन ऑफ पीसीओएस इरेग्युलर मेंसिस कंप्लेन ऑफ कॉर्न इन बोथ फुट रिकरेंट सिंस चाइल्डहुड सेल्फ रिमूवल मेनी टाइम, वो चप्पू लेती है और खुतर देती है। स्वीट डिजायर पर्सपिरेशन ऑन फोरहेड ईटिंग वाइल्ड एंड चिली पैशन, इतना ही मिला। लेकिन हाँ, लेकिन जो अंदर डिसीज प्रोसेस है, उस डिसीज प्रोसेस का एक भाग कौन है, दूसरा भाग पीसीओएस है। सो हमें पीसीओएस के लिए अलग दवाई और कौन के लिए अलग दवाई नहीं ढूंढनी है, हमें दवाई ऐसी ढूंढनी है जो इंटरनल डिसीज प्रोसेस को लेटेंट फेज के अंदर ले जाए। बात समझ रहे हैं? सो यू ऑल आर राइट। कैलकेरिया का 200 दिया गया, मेंसिस आ गया, लेकिन कौन में कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर हमारी मेडिसिन देने के बाद डिस्चार्ज अपीयर हो रहे हैं, इसका मतलब मेडिसिन ने एक्ट करना शुरू कर दिया है, दवाई मत बदलो। सो धीरे धीरे मेडिसिन कंटिन्यू था और सारे कॉर्न रिमूव हो गए, डिसअपीयर हो गए अपने आप। क्लियर, कैलकेरिया दिखी ना सबको। कोई ऐसे हमारे केस नहीं है कि जिसके अंदर कुछ रॉकेट साइंस छिपा हो, या हमने कुछ नया किया हो, या कुछ अलग किया हो। ये ऐसी चीजें हैं जो शायद 200-250 साल पहले मास्टर हनीमैन और बोनिकुसेन साहब करते होंगे, और वही चीजें बहुत सारे होम्योपैथ स्टालवर्ट सब करते आए हैं, और हमारे गुरु कृपा से हमारे तक पहुंची है। सो नेक्स्ट केस आपके सामने, 52 ईयर ऑफ फीमेल कॉर्न ऑफ बोथ फीट सिंस 7 ईयर
हिस्ट्री ऑफ हिस्टेक्टोमी ड्यू टू फाइब्रॉइड, थ्रोट क्लोदिंग एग्रावेशन, स्पाइसी डिजायर, स्लीप डिजायर, स्वीट राइट साइड एंड हॉट पैशन। क्या बात है, कौन के अंदर सब बढ़िया मास्टर हो गए? सब मास्टर हो गए। लेकेसिस दिया गया, पहले राइट साइड के कौन डिसअपियर हुए, फिर लेफ्ट साइड के हुए, सॉरी राइट साइड के 50% डिसअपियर हुए थे, फिर उसका पोटेंसी बढ़ाया गया, ठीक है। डॉक्टर साहब एक बाजी हमारे लिए भी पार्सल करवाइएगा। सो नेक्स्ट केस है आपके सामने, 15 ईयर ऑफ मेल, कॉन्सीन बोथ फीट सिंस चाइल्डहुड, फादर एंड ग्रैंडफादर आल्सो हैव द कॉन्स, हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट कोल्ड एंड कफ, थर्स्टी, स्वीट डिजायर, कोल्ड ड्रिंक डिजायर एंड चिल। एग्री, सब पोस्टमार्टम देना चाहते हैं। क्या बात है यार, बहुत अच्छे लोग तैयार हो गए हैं, एक व्याख्यान के अंदर तो सीख गए। सो मेडिसिन प्रिस्क्राइब फॉस्फरस, फॉस्फरस दिया, बाद में पैसन हमको दिखाई नहीं दिया है, लेकिन हमें आप तक केस पहुंचाना था, दिखाना था, सो केस ऐड किए हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपके पास ही फॉल डाउन रहता है, हमारे पास भी रहता है, पैसन फॉलो अप में नहीं आते हैं। हमारे व्याख्यान का पूरा मतलब यही है कि जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम के सामने टिके रहने की हमें शक्ति मिले और हम होम्योपैथी को घर घर हर घर तक पहुंचा जा सके। इस केस का लेने का यही मतलब है कि पैसन वापिस नहीं आया तो हमारे पास भी फॉल डाउन रहता है। सो नेक्स्ट केस, 52 ईयर ऑफ मेल, ओबेस, कंप्लेन ऑफ कॉर्न इन बोथ फीट सिंस 2 ईयर, मल्टीपल पेनफुल, हिस्ट्री ऑफ फिस्चुला एंड पेरिएनल एब्सेस, स्वीट डिजायर, वेजिटेबल डिजायर एंड हॉट पैशन। क्या बात है, को गुजराती वालो लेक्चर जो ही ने बैठा लगे। वेरी गुड, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कैल्केरिया सल्फ, और पेशेंट को बहुत अच्छा हो गया, कौन चले गए, दिख गई ना कैल्केरिया सल्फ। नेक्स्ट, 29 ईयर ऑफ फीमेल, कॉर्न इन बोथ फीट सिंस 7 ईयर, डेवलप आफ्टर डिलीवरी, स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट एंड देन गोज टू राइट, मेंसिस लेट फ्रॉम प्यूबर्टी एंड चिली पेशेंट। हमारे सब डॉक्टर बहुत होशियार हो चुके हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब सेपिया और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। नेक्स्ट केस, 36 ईयर ऑफ फीमेल, हाउसवाइफ, कंप्लेन ऑफ एसिडिटी, बर्निंग पेन, एग्रावेशन एट नाइट, हिस्ट्री ऑफ एनाल फिशर, बर्निंग पेन, कॉर्न बोथ फीट सिंस 3 ईयर, स्पाइसी डिजायर एंड चिली पैशन। क्या दिख रहा है, वेरी गुड, मेडिसिन प्रिस्क्राइब आर्सेनिक आल्ब 30, सो एसिडिटी भी चला गया और कॉर्न भी चले गए, फिशर भी चले गए, पेशेंट को कुछ नहीं हुआ है, सब कंप्लेन में बढ़िया है। सो फिशर के लिए दवाई, कॉर्न के लिए दवाई या एसिडिटी के लिए दवाई हमें नहीं ढूंढना है, हमें दवाई ऐसे व्यक्ति के लिए ढूंढना है जिसको तकलीफ है। बात पहुंच गई ना। नेक्स्ट, 35 ईयर ऑफ मेल, सोशल एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट, कंप्लेन ऑफ कॉर्न इन राइट साइड, फूड सिंस 6 मंथ, हिस्ट्री ऑफ बेल्स पाल्सी प्रीवियस ईयर, सॉल्ट डिजायर एंड चिली पैशन। मेडिसिन ऐसी चाहिए नर्वस कंप्लेन के ऊपर जिसकी अफिनिटी ज्यादा हो, राइट साइडेड अफिनिटी हो, चिली हो, और वो बहुत सिंपैथेटिक हो, आरटीआई एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है। वेरी गुड, मेडिसिन फॉस्फरस दिया गया था। ये केस ऐसे ही रखे गए हैं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन बढ़े।
लेकिन रिजल्ट नहीं मिला था इस केस में, और उसके बाद कॉस्टिकम दिया गया तब जाके रिजल्ट मिला। हम अपना फेलर भी आपके साथ साझा करते हैं, बात समझ में आ रही है? पहले फास्फोरस दिया गया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, उसके बाद इस केस के अंदर कॉस्टिकम प्रिस्क्राइब गया किया गया और उससे अच्छा रिजल्ट मिला। सो ऑक्यूपेशन ऑफ द पेशेंट, हॉबी ऑफ पेशेंट, ये सब भी केसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट केस, 22 ईयर ऑफ द मेल, कंप्लेन ऑफ एनाल फिस्चुला सिंस 3 ईयर, पेनफुल कैन कॉन सिंस 2 ईयर, लीन थिन, मिल्क एवर्जन, एग डिजायर एंड चिली पैशन। लीन थिन, मिल्क एवर्जन, एग डिजायर एंड 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 पसफॉर्मेशन। यस, वेरी गुड। बस दो तीन सिम्टम ही लेने हैं लेकिन प्रिज्यूडाइज नहीं होना है, टोटालिटी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे एनल फिस्चुला नहीं होता, लिंथिन नहीं होता, तो कैल्केरिया की तरफ जा सकते थे। इवन लिंथिन होता और एनल फिस्चुला की जगह अगर उसको कुछ ओवरग्रोथ का पैथोलॉजी मिलता तो भी हम कैल्केरिया की तरफ जा सकते थे, लेकिन फिस्चुला मिला, पस फॉर्मेशन मिला, पेनफुल मिला, लिंथिन मिला, एग डिजायर मिला, मिल्क एवर्जन मिला और चिली मिला। मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड, सिलिसिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सो टोटालिटी इज इंपॉर्टेंट। एक सिम्टम की बहुत वैल्यू नहीं है, एक डिजायर देख के कभी कैल्केरिया में मत घुस चाहिए। जिस तरीके से अगर पाइल्स देख के एस्क्यूलेस या नक्सवमी का सोच लेते हैं तो वो प्रिज्यूडाइजनेस है, उसी तरीके से जॉइंट पेन देख के रस्टॉक्स और ब्रायोनिया सोच लेते हैं तो प्रिज्यूडिसनेस है, उसी तरीके से हॉट पेशेंट स्किन कंप्लेंट देख के सल्फर सोच लेते हैं तो प्रिज्यूडिसनेस है, हिस्ट्री ऑफ स्किन इरप्शन सप्रेस देख लेते हैं और सल्फर सोच लेते हैं तो प्रिज्यूडिसनेस है, एग डिजायर देख के सिर्फ कैल्केरिया सोच लेते हैं तो प्रिज्यूडिसनेस है, इवन व्हीपिंग टेंडेंसी देख के पल्सेटिला सोच लेते हैं तो प्रिज्यूडिसनेस है, उसी तरीके से अगर सिर्फ बर्निंग सेंसेशन देख के फास्फोरस या आर्सेनिक सोच लेते हैं तो प्रिज्यूडिसनेस है, उसी तरीके से बेटर बाय रेस्ट एंड एम्युलेट बाय मोशन सोच देख के रस्टॉक सोच लेते हैं तो प्रिज्यूडिसनेस है, उसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ कुछ डेल्यूजन या कुछ मेंटल देख के भी कोई मेडिसिन, एक मेंटल या एक डेल्यूजन देख के कोई मेडिसिन देख लेते हैं तो प्रिज्यूडिसनेस है। हनीमैन या बोनिकुसेन हमें यही कहते हैं कि ऑलवेज प्रिस्क्राइब ऑन टोटालिटी, नॉट ऑन वन सिम्टम। बात समझ में आ रही है? एक सिम्टम के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है, हमें टोटालिटी के ऊपर ही प्रिस्क्रिप्शन करना है। होप आप सब कॉन्स के केसेस ट्रीट करना शुरू कर देंगे। आज के व्याख्यान में नया कुछ नहीं था, ना ही कुछ हमारे पास रॉकेट साइंस है, ना ही हमने कोई खोज कर ली है। ये वही बातें हैं जो मास्टर हनीमैन ने और बोनिकुसेन साहब ने 200 साल पहले बताई हैं और वो आज भी उतनी ही कारगर हैं, उतनी ही प्रैक्टिकल एप्लीकेबल हैं। और दो तीन मिनट का केस, दो तीन चार सिम्टम, एक मेडिसिन और सिमिलिमम होम्योपैथिक प्रिंसिपल के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए ताकि जो मैथमेटिक लोड है वो कम हो। हमें कौन नहीं देखने हैं, हमें देखना है पेशेंट। होप आप तक हमारी बात पहुंची होगी, खूब खूब धन्यवाद। अगर 5 मिनट है हमारे पास, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी सर,
हाँ जी सर, हाँ जी सुन रहे हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है सर, और इसके ऊपर पूरा व्याख्यान लग सकता है, लेकिन कॉज ऑफ द कॉज इज मायाजम। सो मायाजम हर डिसीज का कॉज है, और मायाजम कैसे बढ़ता है? तो मायाजम बढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, कि अननेचुरल लाइफस्टाइल, अननेचुरल फूड, अननेचुरल थॉट्स और डिससिमिलर मेडिसिन। अगर वो मेडिसिन चाहे किसी भी साइंस की हो, लेकिन अगर वो डिसिमिलर है, तो दैट कैन सेंसिटाइज मायाजम। अननेचुरल थॉट्स, अननेचुरल फूड, अननेचुरल लिविंग, अननेचुरल एनीथिंग जो नेचुरल नहीं है, वो सब मायाजम को बढ़ा सकता है। और आज हम अननेचुरल लाइफ जी रहे हैं, इसीलिए सब डिसीज्ड हैं। लेकिन अगर हमें मायाजम को घटाना है, मायाजमेटिक डिसीज को क्योर करना है, तो हम सिमिलिमम देते हैं, तो हमारी सिर्फ पैथोलॉजी नहीं जानी चाहिए, लेकिन उसके साथ जनरलिटी के ऊपर पेशेंट इंप्रूव हो रहा है। भूख तरस, भूख प्यास, उसकी नींद, उसका फ्रेशनेस, उसका एनर्जी लेवल और सब कुछ, जिंदगी में अगर उसको मजा आने लगता है, हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, अगर उसको जीवन के अंदर आनंद आने लगता है, इसका मतलब हमारी मेडिसिन एंटी मायाजमेटिक तौर के ऊपर भी वर्क कर रही है। आपकी बात सच है कि अगर वो 2-3-4 साल रहेगा तो ही हमें मालूम पड़ेगा, लेकिन अगर वो नहीं रहता है, लेकिन पहले ही फॉलोअप में अगर आनंद मिलना शुरू हो गया, तो परमात्मा यानी कि अंदर प्राण का स्वरूप आनंद है, और आनंद मिलना शुरू हो रहा है, मतलब क्योर की प्रोसेस शुरू हो रही है और मायाजम लोअर हो रहा है। हाँ, डिसीज वहीं से शुरू होता है जहां निवेदन कहते हैं कि जीवन के अंदर से आनंद घट जा रहा है। हम बोलते हैं ना, आज मजा नहीं आ रहा है, रिपोर्ट सब नॉर्मल है, कुछ हो भी नहीं रहा है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है, इसका मतलब डिसीज की प्रोसेस शुरू हो गई है, आपका मायाजम सेंसिटाइज हो गया है। तो उस माय अगर मजा आना शुरू हो गया, आनंद आना शुरू हो गया, उसके सब जनरल्स हैं वो नॉर्मल हो गए, इसका मतलब हमारी मेडिसिन एज एंटी मायाजमेटिक वर्क कर रही है। हाँ, पिछले दोनों व्याख्यान के अंदर इसका जवाब हम दे चुके हैं। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा मिलते हैं, LSMC क्लियर मिल रही है, तो हायर द पोटेंसी लोअर द रिपीटेशन। अगर कैरेक्टरिस्टिक कम है और काफी सारे जनरल सिम्टम के ऊपर, मतलब जनरल मतलब कॉमन सिम्टम के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन बेस है, तो लोअर द पोटेंसी, फ्रिक्वेंट द रिपीटेशन। अगर कुछ मालूम नहीं चल रहा है, तो स्टार्ट विथ 30, गो टू 200, गो टू 100। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। श्योर सर, आई विल प्रिपेयर फॉर इट, बिकॉज वी आर गुजराती एंड वी आर स्पीकिंग ऑल लैंग्वेजेस इन गुजराती, सो अवर इंग्लिश इज वेरी पुअर। आई विल इंप्रूव इट एंड डेफिनेटली कम टू इंग्लिश क्लासेस।